हेलो एंड वेलकम टू कोरल डॉ ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स। दोस्तों, आज की क्लास में एक बार फिर स्वागत है। आज मैं उसी मैश फिल्म, मैंने लास्ट क्लास बनाई थी, उसके बाद आज मैं फिर दोबारा एक नेक्स्ट क्लास लेकर आया हूँ, पार्ट टू। आज मैं मैंगो बनाना सिखाऊंगा मैश फिल से। आप लोगों को कुछ रियलिस्टिक क्या उसमें हो सकता है, थोड़ा सा आसानी दिखाऊंगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखूंगा उसको, आसानी से। सिर्फ टेक्निक आप समझ जाए, उसकी थ्योरी समझ जाएंगे तो मजा आएगा आपको देखने में, करने में उसको। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले फिर हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें सीडीटीएफबी को, और चैनल को सर्च करने के लिए गूगल या यूट्यूब पर आप इस तरीके से यहां देख सकते हैं, तो हमारे ज्वाइन करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रेड सब्सक्राइब बटन दबाकर। और जिन लोगों ने हमारी मैश फिल्म की फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, देखिए ये वाली है, आप ये वाला वीडियो देख लीजिएगा ताकि आज की वीडियो समझने में आपको बहुत आसानी रहेगी। तो चलिए, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, शुरू करूंगा आज की क्लास। ये है हमारे, ये मैंने एक सैंपल निकाल कर रखा है सिर्फ मैंगो का। ये इसलिए कि सिर्फ कलर देखने के कॉम्बिनेशन इस तरीके से यूज कर लेंगे, मैं रेड के दो तीन कलर यूज कर लूंगा, इसको साइड में रख लेता हूँ, इसका कोई और मकसद नहीं है, सिर्फ इसको देखकर एक कलर के लिए निकाल लिया मैंने, ताकि एक रफ एक आइडिया के लिए। चलिए, सबसे पहले हम मैंगो बनाएंगे। मैंगो बनाने के लिए हम एक ओवल बनाएंगे, एलिप्स टूल लेंगे इस तरह, ये देखिए कर लिया हमने, और इसको कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे हम, ये देखिए हमने कन्वर्ट टू कर्व कर दिया। शेप टूल का यूज करेंगे, शेप टूल से हम सिलेक्ट करेंगे इसको यहां इस तरह, थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, ये ऑलमोस्ट मैंगो का शेप आ गया। शेप पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, टेक्निक पे ध्यान दीजिएगा कि बना क्या रहे हैं और थ्योरी क्या है उसके बनाने की, मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो इसको समझिए कि ये एक मैंगो आपने बना लिया है। अब इसमें कुछ हमें इस तरह से कलर दिखाने हैं, रेड लाइट का रिफ्लेक्शन और इस तरह येलो, तो हम इस तरह का बनाएंगे। तो हम सबसे पहले मैश टूल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ ग्रेडियंट में नीचे होता है बॉटम में, ये मैश फिल टूल एम इसका शॉर्टकट है। देखिए इसकी साइड है, पहले हल्की सी डेप्थ दे देंगे, जैसे साइड ऑफ एजेस पे इसकी, यहां पर हम हल्का है इस तरह। देखिए मैं बीच वाली लाइन पर ही ले रहा हूं, ये देखिएगा मैं इसके बाहर क्लिक नहीं कर रहा हूं, अंदाजे से बराबर लेकर चलेंगे हम एक रफ आइडिया से, ये हो गया। अब ये एज हमारी बराबर नहीं है, हम इसको भी बराबर कर लेंगे इस तरह, देखिए हम इसको भी इसी तरह बराबर कर लेंगे मार्जिन को, ताकि शेडिंग जो आए हमारी ऑलमोस्ट एक जैसी आ जाए। ठीक है, ये एक हमारा बन गया। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखिएगा, अभी तो खैर मैं सिंपल बता रहा हूं आपको, अभी तो इसमें आसानी से हम कर सकते हैं, आगे कभी और कुछ बनाऊंगा तो उसमें समझाऊंगा आपको वो, कि ट्रांसपेरेंसी रखनी जरूरी होती है, वो मैं फिर कभी बताऊंगा आपको। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको सब नोट्स को सिलेक्ट कर रहा हूं, इसके अंदर यहां से कोई कलर पिक करके फिल कर देता हूं। देखिए ये आरजीबी सीएमवाई के, ठीक है, यहां से हम ये कलर ले लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब इसकी आउटलाइन को हम नन कर देते हैं, सॉरी यहां से हम सिलेक्ट करेंगे, आउटलाइन को नन कर लेंगे, ये हमारा एक बेस तैयार हो गया। अब इसका हम फिर से टूल सिलेक्ट करेंगे, यहां से इन मोड्स को सिलेक्ट करेंगे सभी को एक एक करके, और यहां से हम कलर को इसी वाले को सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा डार्क ले लेंगे, तो हम इससे करेंगे ताकि हम जो वैल्यू डालेंगे वो 60 कर देखते हैं, ज्यादा हो गई है हमारी, 40 कर देखते हैं, ये सही है इतनी, तो हम 40% ब्लैक ऐड करना है इस फ्लैट कलर में से। तो ये देखिए हम इस तरह सिलेक्ट करेंगे सभी को, पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ शिफ्ट के साथ, ये देखिए, ताकि आराम से हम एक साथ कलर ऐड कर देंगे फिर बाद में, जहां जहां हमें ये शेडिंग मरून की दिखानी है, देखिए 40 ये सही है। हम इसको इस तरह स्क्रॉल कर लेंगे, देखिए यहां येलो है, तो यहां येलो करने के लिए हमें यहां एक नोड लेनी होगी, और इसको कर्व को इस तरह यहां कहीं लाना होगा,
ताकि ये रिफ्लेक्शन इस तरह का आए। यहाँ देखिए कर्व हल्का सा आ रहा है इसमें शेडिंग में, तो ये हम इससे एडजस्ट करेंगे इस फ्लो को। तो अब हम यहाँ ये येलो ऐड करेंगे, येलो हम ये सारी नोट सेलेक्ट कर रहे हैं, हम इस आई ड्रॉपर से क्लिक करेंगे, यहां से डार्क वाला लेंगे इसमें, ये देखिए आ गया सही है। यहां पर भी हम येलो लेंगे यही वाला सही है, इस नोट पर भी हम ये येलो ऐड कर देंगे, ये ज्यादा है तो हम यहां कहीं ये वाला कलर लेंगे, और इस वाली नोट पर भी हम यहां से ये मर्ज होता हुआ जो कलर है यहां से पिक कर लेंगे। देखिए थोड़ा सा ज्यादा हो गया, हम इसको लाइट करेंगे यहां कहीं से, ठीक है परफेक्ट। यहां पर भी हम इसी तरह का, ये ऑरेंज ही फ्लो में आ रहा है तो इसको हम ऑरेंज को ही ऐसा ही कुछ ले लेंगे, ज्यादा हो गया देखिए हमारा येलो, मेन चीज कलरों का ही सिलेक्शन सही होना चाहिए इसका, कलरों में जहां हमसे चूक होगी वहां मजा नहीं आएगा। देखिए इसी तरह यहां एज पे से कलर ले लेता हूं, ये वाली टोन हल्की सी डिटेल डेप्थ आएगी इसमें, डार्क होगा जितना, ज्यादा नहीं बहुत लेकिन हल्का सा डार्क होना जरूरी है, ये सही है। यहां भी इस तरह हल्का सा यही वाला डार्क कलर यूज कर लेंगे हम, ये देखिए। लेकिन यहां थोड़ी सी शार्पनेस ज्यादा दिख रही है, देखिए आप देख सकते हैं ये क्यों है, यहाँ नोट की कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट हमें थोड़ी सी देखनी होगी, ये देखिए इस तरह नोट्स की एडजस्टमेंट हमारी सही होंगी तो ब्लेंडिंग स्मूथनेस की बहुत अच्छी स्मूथ ब्लेंडिंग होगी। इसको हम छोटा कर देंगे, लेकिन अभी इसकी यहां ब्लेंडिंग अच्छी नहीं आ रही है तो हम यहां कहीं एक नोड और ले लेते हैं, तो इसको हम ब्लेंड करेंगे अच्छी तरह। यहां पर हम थोड़ा सा ये वाला कलर पिक करेंगे, देखिए यहां से कहीं से, तो इसकी ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए, और थोड़ा सा डार्क लेंगे ताकि ये और हमें यहाँ कहीं एक लाइट का रिफ्लेक्शन देना है तो हम यहाँ कहीं एक नोड ले लेंगे इस तरह, हम व्हाइट इसमें ऐड कर देंगे, देखिए मेरे ख्याल से इतनी लाइट अच्छी लग रही है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी शार्पनेस है तो हमें यहाँ पर हम यही वाला कलर पिक करेंगे, ये कलर, और इसको हम हल्का सा एडजस्ट करके लाइट कर देंगे यहां से, सही। हमें यहां एक लाइट दिखानी है, यहां कहीं दिखा देंगे हम, क्योंकि यहां एज पर आ रही है और एक यहां आनी चाहिए, देखिए यहां इसको हम इस तरह एडजस्ट कर लेंगे लाइट को, इसको भी हम व्हाइट करेंगे, अगर व्हाइट ज्यादा लगती है तो हम इसको यही वाला कलर पिक करेंगे जो डार्क हमारा है, या यहां से ऑरेंज ले लेंगे और इसकी डेंसिटी
कम करते जाएंगे जहां तक हम, देखिए इसको थोड़ा सा साइड में ले लेंगे ताकि हम देख सकें कलर जब हम चेंज करें तो। हल्का सा येलो दिखा सकते हैं, बिल्कुल व्हाइट प्योर भी। मेरे ख्याल से इतना सही है, ये देखिए परफेक्ट इस तरह ही हो जाएगा। अगर यहाँ इस तरह की डार्क डेप्थ दिखाना चाहते हैं तो लीफ की, लीफ का रिफ्लेक्शन है वैसे तो, लेकिन लीफ से ही आएगा वो। इस तरह की चीजें यहाँ भी ऐड कर सकते हैं आप। सपोज कीजिए यहाँ कहीं एक नोड ले लेंगे हम, एक यहाँ नोड ले लेंगे, एक यहाँ ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे। तो इसमें हमने क्या किया, ये वाले पोर्शन को, बीच वाले को यूज करने के लिए हमने इन सबसे ब्लॉक कर दिया। अब हम इसको यूज करेंगे यहाँ इस तरह, ये वाला कलर यूज कर लेंगे। देखिए हम इसको पास ले आते हैं थोड़ा सा, यहां पर हम इस तरह से ये लाइट टोन यूज कर लेंगे थोड़ी सी, और ये और क्लोज कर लेंगे हम ब्लॉक ये पोर्शन थोड़ा सा, और स्मूथ ब्लेंडिंग और छोटी हो जाएगी। हमारी नोड्स एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गई हैं तो इनको हमें इस तरह थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि ये एकदम स्मूथ बने। इसी तरह बॉटम वाले की नोड्स भी इसको हम क्लोज कर देंगे इस तरह एकदम, और इनको हम ये देखिए, सॉरी मैं जूम करके इसलिए कर रहा हूं ताकि आप डिटेल में आसानी से अच्छा काम कर पाए। देखिए डेप्थ आ गई इसकी। अब इस तरह यहां शेडिंग की रिफ्लेक्शन है हल्की सी, तो यहां आप हल्की सी शेडिंग यहां से एक इस तरह ऐड करेंगे, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम लीफ बनाते हैं। अब चलिए यहां एक ये छोटा सा पोर्शन बना देते हैं यहां इस तरह, ये इसमें हम मैश फिल ना करके ऐसे ब्राउन डार्क प्लेन दे देंगे। तो यहां एक छोटा सा ऐड कर देंगे, इसकी हल्की सी राउंड कर देंगे, इसको भी यही ब्राउन कलर कर देंगे। और यहां लीफ बनाएंगे, एक लीफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक ओवल ले लेंगे इस तरह, इसको कर्व कर देंगे कन्वर्ट टू, कंट्रोल क्यू से शेप टूल लेंगे हम इसको, हमने नोट ब्रेक कर दी सॉरी, बल्कि हम इसको इस तरह ना बनाकर हम दो सर्कल बना लेते हैं, एक के ऊपर एक इस तरह ले लेते हैं, हल्का सा लंबा कर लेते हैं, लीफ का शेप बन गया, हम इसको इंटरसेक्ट कर लेंगे, इन दोनों को डिलीट कर देंगे, ये बन गया लीफ। जरूरी नहीं है बिल्कुल सेम शेप की हो हमारी, अभी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे हम इसको। अब इसमें हम ग्रीन कलर कर लेंगे और इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे, ब्लैक इसमें ऐड कर लेंगे। देखिए हम इसमें 20% ब्लैक ऐड कर देते हैं, इसमें मैश फिल टूल लेंगे, देखिए ऑटोमेटिकली सेंटर में आ गया। इसकी भी एक साइड में डेप्थ देने के लिए हम यहाँ बारीक सी ऐड कर देंगे चारों एजिस पे, यहां से फिर वही सेंटर कर लेंगे हम इसको, और ये वाली नोट सेलेक्ट करेंगे हम, हल्का सा डार्क कर देंगे यहां से 20 है तो इसको 40 कर देंगे हम,
ये देखिए हल्की सी डेप्थ आ गई इसमें, अच्छी है। इसी तरह परफेक्ट, यहां नहीं आई 40%, यहां से हम 40 तो यहां इस तरह डेप्थ आ गई। अब यहां आप देखेंगे एक सेंटर में एक लाइन है, तो हम इस लाइन के लिए इसको क्लोज करेंगे। यहां बराबर में इसकी एक और लाइन लेंगे इस तरह, इस तरह एक और इसकी क्लोज लाइन ले लेंगे। ये थोड़ी डिस्टेंस ज्यादा हो गया, हम और क्लोज कर लेंगे इसके, ये बिल्कुल क्लोज कर लेंगे इसके जितना क्लोज हो सकती है। ये देखिए इस तरह हम इसको बिल्कुल क्लोज ले आएंगे ताकि एक थिन सी लाइन बने। यहां पे हम इसको सेंटर वाले को बिल्कुल अच्छा वाला है, थोड़ा सा सेंटर वाले में ही देते हैं, बाद में देखेंगे इसको। और यहां से भी इसको हम क्लोज कर लेंगे ताकि एक लाइन बारीक दिखाई दे हमें। ये देखिए इस तरह जितनी बारीक होगी उतनी अच्छी लगेगी। है देखिए लीफ वाली फील आ गई है। अब इसमें यहां थोड़ी सी डेप्थ है, तो यहां हम हल्की सी डेप्थ दिखाएंगे ताकि ये उभरा हुआ दिखाई देने लगे। इस लाइन पर ले लेंगे हम एक और इस वाले को हम फिर से 40% ब्लैक ऐड कर देंगे। देखिए थोड़ा सा और बढ़ा देंगे चाहे यहां पर। इस वाले को भी हम यही कलर ले लेंगे, तो इससे हम आई ड्रॉपर से सेंटर से डार्क ले लेंगे। देखिए यहां भी यही कलर लेंगे डार्क वाला, ये वाली सेकंड नोट पर भी। ये देखिए अच्छी डेप्थ आ जाएगी। हम इसके टॉप पर आ गए, ये वाली नोट और ये वाली नोट को भी हम इससे नहीं हम इससे लेंगे। ये देखिए अच्छी डेप्थ आ गई है। अब फिर से हम यहां देखेंगे, यहां हल्की सी डेप्थ है, तो यहां पर एक नोड ले लेंगे, यहां हल्की सी इससे कम डार्क ले लेंगे। ये देखिए ये, हाँ इतना काफी है। यहां पर भी हल्का सा यही वाला डार्क टोन। ये लीफ हमारी बन गई इसी तरह की, काफी रियलिस्टिक लग रही है। इसको हम हल्का सा शेप टूल लेंगे मैश टूल से, हम इसको यहां से सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह। देखिए रोटेट कर लेंगे, थोड़ा सा लंबा कर देंगे। देखिए आई गेस सही है इतना, बस इसको यहाँ एज से मिला लेते हैं। ये भी पोर्शन बना सकते हैं लेकिन इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है और ज्यादा, आप टेक्निक तो समझ ही गए। तो दोस्तों ये था आज मैश फिल की क्लास में कुछ रियलिस्टिक बनाने की कोशिश। कैसी लगी आपको आज की क्लास ये जरूर बताइएगा। और आपके लिए टास्क ये है, इस वीडियो को देखकर आपके पास अब ये पूरा है, इसी तरह से सिंपल है बिल्कुल, मैंने इसीलिए आज बहुत ज्यादा जल्दी नहीं बनाया, आराम आराम से बनाया है। इसी तरह का एक मैंगो बनाकर दिखाइए और लीफ के साथ, और दिखाने के लिए आप मुझे फेसबुक पेज पे शेयर करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई कमी उसमें होगी थोड़ी सी तो आप उसको एडिट कर बना सकते हैं। देखिए मैश फिल से कितना इंटरेस्टिंग काम किया जा सकता है, इसमें आप
साफ तौर पर देख सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, नई क्लास नए ट्यूटोरियल में फिर मिलेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग कोरल डॉट ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। थैंक यू फॉर बींग अ पार्ट ऑफ CDTFB फैमिली।